नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती नियम में होने वाले बदलाव की, और साथ में बात करेंगे डॉक्टर के पदों पे भर्ती की और NHM कर्मचारियों के लिए बनने वाली नीति के बारे में। पहले बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती नियमों में होने वाले बदलाव की। हिमाचल प्रदेश में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती नियम बदले जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता को भी बढ़ाने की तैयारी में प्रदेश सरकार है। अब प्लस टू से बढ़ाकर इसे ग्रेजुएशन या कोई स्पेशल डिप्लोमा या डिग्री भी किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री धनीराम शांडिल का कहना है कि अब आंगनबाड़ी केंद्र पर सरकार का फोकस होगा। छोटे बच्चों के पौष्टिक खाने से लेकर किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, इस पर भी फोकस होगा। बता दें कि इस समय प्रदेश में 18,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र है। इन केंद्रों में छोटे बच्चों की देखरेख की जाती है। फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्र में अब अलग व्यवस्था होगी। स्कूल जाने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएंगे। सरकार का प्लान है कि आंगनबाड़ी केंद्र हाईटेक हो, वहाँ पर छोटे बच्चों को खुला स्पेस मिल सके। फिलहाल इसको लेके अब प्लान बनना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं NHM कर्मचारियों के लिए बनने वाली नीति की। NHM में अनुबंध के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी तैयार हो जाएगी। फिलहाल सरकार ने NHM कर्मचारियों से 3 महीने का समय मांगा है। 3 महीने बाद इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी तैयार हो जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्रियों से हाल ही में NHM कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। इस दौरान मंत्रियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनुबंध कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया कि 3 महीने के अंदर NHM कर्मचारियों की रेगुलर पॉलिसी पर काम किया जाएगा। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमन की अध्यक्षता में अनुबंध कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल लोक निर्माण विभाग एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव मोहनलाल बरगाटा से मिला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारी शैक्षणिक एवं तकनीकी तौर पर पूरी तरह सक्षम हैं और इन कर्मचारियों ने हर विकट परिस्थिति, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य चेकअप का जिम्मा ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाया है। संघ को सरकार की ओर से पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि 3 महीने के अंदर रेगुलर पॉलिसी का काम कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर्स के पदों पे भर्ती की। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए डॉक्टरों के पदों को भरा जाना है। पिछली सरकार के समय 500 डॉक्टरों के पदों को भरने का ऐलान बजट में किया गया था, जिसमें से 300 डॉक्टरों की भर्तियां पिछली भाजपा सरकार के समय भी हो गई थी। ऐसे में बचे हुए 200 डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए प्रोसेस चल रहा था। इतने में ही आचार संहिता लग गई, जिसके बाद भर्तियां रुक गई। इन सभी डॉक्टर्स की नियुक्तियाँ ग्रामीण इलाके में की जानी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें। ऐसे में अब लंबित पड़े डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोबारा से इन पदों को भरने के लिए पहले से प्रोसेस चलाई जाएगी। इससे पहले विभाग को कैबिनेट से मंजूरी लेना जरूरी है। इनमें से कुछ डॉक्टर के पद वॉक इन इंटरव्यू और कुछ कमीशन के जरिए भरे जाने हैं। इससे पहले रखे गए 300 डॉक्टरों की सेवाएं मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बैन में भी ली जा रही हैं। विभाग इन 200 डॉक्टरों के पदों को भरने के बाद अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से इन्हें तैनात करेगा, क्योंकि कई डॉक्टर आने वाले समय में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसके बाद नए डॉक्टर की ज़रूरत होगी। डॉक्टर भर्ती पे कोई भी सूचना आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।